उत्तर प्रदेश के आगरा में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा मिलने से वस्त्र उद्योग शहर में बढ़ रहा है। आयोजनों में वस्त्र निर्माताओं और व्यापारियों के बीच सीधे संवाद व उद्योगों को बढ़ाने में नई दिशा देता है। उद्योग सखा के माध्यम नगर निगम उद्योगपतियों से सीधे संवाद करेगा। उद्योगियों इकाइयों नगर निगम संबंधित समस्याओं का सीधा समाधान होगा। उद्योग सखा अभियान से व्यापारियों को जुड़ने के लिए आह्वान किया। महापौर नवीन जैन सोमवार को होटल क्लार्क सिवरास में आयोजित आगरा रेडीमेड गारमेंट्स फेयर 2022 में बतौर मुख्य अतिथि विचार व्यक्त कर रहे थे। आज से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलने वाले गारमेंट्स फेयर 2022 का उद्घाटन महापौर नवीन जैन, लघु उद्योग नियम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग आदि ने भगवान गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत संगठन मंत्री संतोष मखीजा अमित अरोरा ने किया। आगरा का वस्त्र उद्योग सालाना 100 करोड़ तक पहुंच चुका है। और मैं सुंदर इंडियन ओवरसीज कमलानगर आगरा से यहाँ देखिए, ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है ये मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ग्लैमर भी है, इसमें पैसा भी है और आने वाले हमारे जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए एक अटूट, उनका एक भविष्य का एक स्तंभ बनने जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी ये इंडस्ट्री आज जो हमने जिसकी नींव लगा रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से और जितनी गति से ये चल रही है, उससे आने वाले 4-5 साल में ये एक अपने आप में अलग इंडस्ट्री, शायद जूते से भी, अभी डावर साहब ने कहा था जिस तरीके से, उससे भी ज़्यादा आगे निकलने की प्रबल संभावना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।